कर चले हम फिदा जान तन साथियों। यदि मैं अपनी इन सांसों को छोड़कर चला भी जाऊंगा, यदि मैं अपनी इस शरीर को छोड़कर अपनी सांसों को लेकर चला भी जाऊंगा, लेकिन मेरा वतन आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। किसी जमीन कर चले हम फिदा जान तन साथियों। अरे ध्यान रखना, विभीषण भी है यहाँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चिंता नहीं किसी बात की। और वाकई ये गीत श्रीमती दीपमाला जी, ध्यान दीजिएगा, ना ये मैंने लिखा है और ना ही मेरे गुरुदेव ने लिखा है। इस पार्टी की मालकिन और इस चैनल की मालकिन केएस म्यूजिक एचडी की कशिश सिंह राठौर, ये मेरी भतीजी ने गीत लिख कर दिया है। चाचू कानपुर वालों से जब भी गाओ तो ये गीत गाना, और आज कानपुर वालों से गा रहे हैं। और रियल बता रहा हूँ, गीत मेरे पास अब से करीब दो महीने पहले आ गया था, लेकिन आज पहली बार मैं गा रहा हूँ, सुनिएगा। और कोशिश करूंगा शायद आज भी उस बिटिया को आशीर्वाद देंगे। मैं तो उसे सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि एक अंशिका और दूसरी कशिश जब से मेरी जिंदगी में आएगी तब से मेरी बल्ले बल्ले हो गई। ये मैं खुद कहता हूँ कि जब से इन दोनों ने पकड़ा मेरा हाथ तो हो गई मेरी बल्ले 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 बल्ले। अंशिका आई, ये पार्टी बाहर लाई, हालांकि बहुत अच्छी बाहर मेरे परिवार में भी बाहर आई, और जब से कशिश मेरी जिंदगी में आई है तब से कीर्तन जगत में कुछ तो बाहर आई है ना। तो नमन करूंगा उस बिटिया को, और उस बिटिया ने लिख करके गीत मुझे दिया है, चाचू ये गीत गाइएगा। और उसने आज ये मैसेज भी भेजा है कि चाचू ये गीत गाइएगा, तो सुनिएगा। कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी। सतयुग से प्रारंभ होता है, देखिए 12 साल की बेटी है लेकिन 7 बार श्रीमद् भागवत देवी पुराण पढ़ चुकी है। 7 बार, 12 साल की बेटी है, 7 बार श्रीमद् देवी भागवत उस बेटी ने पढ़ा है। कोई साक्षात बेटी नहीं, वो हकीकत भगवती है, भगवती का अवतार है। अब सुनिए, उसने गीत सतयुग से दिया है, सुनिए कैसे। असुर पीछे महादेव के मौत ललकारता, मौत के डर पर मौत ललकारता, मौत के डर पर माया के जाल में बस असुर फंस गया, अपने हाथों से किया अपना संघर्ष। भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि अरे भस्मासुर, तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर ने कहा, स्वामी आपके सिवा मुझे यहाँ कोई तीसरा दिख ही नहीं रहा, और मुझे क्या पता आपने वरदान सही दिया या गलत दिया है, इसलिए लाओ मैं आपको भस्म कर दूं। वो भगवान शिव के पीछे दौड़ा, भगवान शिव आगे आगे, वो पीछे पीछे।
भगवान शिव ने विष्णु को याद किया, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और ऐसा नृत्य कराया कि जैसे ही उन्हें हाथ रखा तो वो स्वयं भस्म हो गया। तब हुआ क्या, भस्मासुर का वो समर आखिरी, और आखिरी है क्या क्या सुनिएगा, क्या बात। और ये 501 रुपए का पावन पुरस्कार कशिश सिंह राठौर ने मेरे लिए नहीं, अपनी बहन अंशिका के लिए भेजा है। और ये 101 रुपए का पावन आशीर्वाद उसने अपने चाचू के लिए भेजा है, मैं उसको सत सत नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। अब सुनिए कपड़े भी, अपने हाथों से किया अपना संहार तो हो गया भस्मासुर है भस्म आखिरी, तो अमर हो गए कर समर आखिरी, कर चले का समर आखिरी, तो अमर हो गए कर समर आखिरी। चलते हैं त्रेता की ओर, सुनिए त्रेता में है। बिथा भी नहीं, बिथा शायद वो समझ गई होंगी, क्योंकि इसमें जो समर हुआ है वो आखिरी हुआ है, उसके बाद कोई समर नहीं हुआ है, और जो अमर हुआ है वो आखिरी हुआ है। अमर जो हुआ है वो अमर हो गया, उससे पहले कभी वो अमर नहीं हुआ है। सुनिए, राम की रण में शक्ति विफल हो गई, तब विभीषण ने उनको इशारा किया, विभीषण ने उनको इशारा किया। पप्पू यादव मोहल्ला सुरखा से 21 रुपए का पावन आशीर्वाद लेकर के आए हैं, क्या बात है। राम की रण में शक्ति विफल हो गई, तब विभीषण ने उनको इशारा किया, एक ही बाद में बाद मारा सरासर, वो जब खींच कर एक ही बाद में काम सारा किया, काम सारा किया, काम सारा किया। उसी के एक बार से दशानंद मारा गया, विभीषण ने इशारा किया। अब देखिए यहाँ एक गीत और गाता हूँ मैं, एक सही मरण का नहीं मारो दस बीस हो जिगर बामती मारो, अरे जगदीश हो जिगर बामती मारो, अरे जगदीश हो जिगर बामती मारो। जब बाढ़ मारा उसकी अमृत को जब सूख लिया उस बाढ़ ने, तब रावण का वो समर आखिरी यानी वो अमर हो गया, और राम का ही वो समर आखिरी था, उसके बाद कोई समर राम ने नहीं किया है, चाहे जिस पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, ये मैं कहता हूँ। उससे पहले तो किए हैं लेकिन उसके बाद कोई समर नहीं हुआ। सुनिएगा, एक ही बाड़े में काम सारा किया, सर चला जब लगा रण में सर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी, कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी, कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी। द्वापर की ओर चलते हैं और सुनिए द्वापर में क्या है। चक्रव्यूह के महासंग्राम में कौरवों की तरफ मच गई खलबली, मच गई खलबली,
को। अब देखिए यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, अभी मनु ने छह द्वार तोड़ डाले, क्योंकि छह द्वार तोड़ने की उसने शिक्षा अपनी माँ के उदर में ही पाली थी। सातवें द्वार की कथा अर्जुन बता रहे थे, तब तक वो सो गई थी सुभद्रा। तब सातवां द्वार तोड़ने का उसके पास उपाय नहीं था, तो सातवें द्वार पर जब अभिमन्यु घिर गया तो कहना पड़ा क्या, चक्रव्यूह के महासंग्राम में कौरवों की तरफ मच गई कलबली, मच गई कलबली। द्वार अंतिम लिया घेर अभिमन्यु को, व्यूह की रचना ऐसी अजब रच गई, रच गई। कर चले श्वास अंतिम कशिश आखिरी। कशिश सिंह राठौर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की ओर से कहना पड़ा, कर चले श्वास अंतिम कशिश आखिरी, तो अमर हो गए कर सफर आखिरी। कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, तो अमर हो गए कर सफर आखिरी। कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, महान कृपा है हमारे राइटरों की ऊपर कि हम जो चाहते वही हो जाता है। अंतिम बात कलयुग में ध्यान दीजिए, बापूजी ने किया वो ना भूलेंगे हम, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर गए वो हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें अंग्रेजों से आजादी दिला गई। तो कहना पड़ा, बापूजी ने किया वो न भूलेंगे हम, उनके द्वारा ही मन का सुमन खिल गया, खिल गया। एक गोली लगी घटना कैसी घटी, अपने भारत का हर एक जन हिल गया, हिल गया, हिल गया। गांधी जी के मुंह से एक आवाज निकली कि राम। जब गोली लगी तो उनके मुख से एक आवाज निकली राम। सुनिएगा, राम का मुख से निकला है सर आखिरी, अंतिम शब्द जो गांधी जी के थे उससे निकला राम, और उसके बाद गांधी जी बोले ही नहीं, लेकिन अमर वो भी हो गए। अब देखिए प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ, कहाँ हो बुड्ढा, तुम्हारी सबको जरूरत रहती है, इनकी सबको जरूरत है। वो राम का मुख से निकला है सर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी। कर चले जिंदगी का सफर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी, वो अमर हो गए कर समर आखिरी। आपका सवाल बहुत ही प्यारा था, और हमारी कशिश बिटिया ने जो भी सवाल लिखा आपके लिए, आपको देने के लिए, वो मुझ पर भारी है, वो भारी है, क्योंकि आपकी लाइनें बनी हैं आखिरी आखिरी, जो समर हुआ वो आखिरी, इसको लिखना। अब जवाब है, जवाबी है, तो जवाब
उसी लाइन से पकड़ा जाए, या तो मैं भी आखिरी गाऊं और या तो आखिरी का उल्टा विलोम कर दूं, तो प्रथम शुरू करूं मैं प्रथम शुरू करूं तो जो भी लिखा है उस कशिश बिटिया ने, उसको लाख लाख बधाई है उसकी सोच के लिए कि बहुत ही कम उम्र में इतनी बड़ी सोच उसने लिख दी। तो मैं तो प्रार्थना करूंगी इस माता रानी के दरबार में वो इसी तरह लेखनी रखेगी, तो शायद पहली महिला लेखिका बन जाएगी जवाबी कीर्तन में। जय हो, क्या बात है। ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही हो कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, तो इसमें भी आगे ही होना चाहिए। प्रयास है राजवीर भैया जी, प्रयास है। आपका गीत आखिरी कह रहा था और कुछ इधर उधर का मैं प्रथम ढूंढ कर लाई हूँ। बस टुकड़ा है छोटे मोटे, सुनिएगा कहना क्या। सुनाइए। धुन थी आपकी। आप कह रहे हट कर भविष्य यार, भविष्य एक बात अच्छी लगी नहीं, भविष्य बनाओ तुम्हें ना। हमने कई कलाकारों के मुख से ये शेर सुना है कि खुजलाने का तो मन करता है, नहीं मसलने का तो मन करता है, लेकिन कैसे मसलू क्योंकि इसमें खून भी अपना है जी। अब हम ये नहीं समझ पाते कि खून अपना है तो ये बाप हुए तो मच्छर ये बेटा हो गया, पता नहीं तो ये मच्छरों के बाप हैं। जय हो, आज बोल लगती है ऐसे। अरे माटी डालो तो लगाओ। धुन आई आपकी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे ही गाया था, इतने लोग बैठे हो, मैं भी अंदर था, पता नहीं ऐसे गा रहे ना जैसे हाँप रहे हैं, कोई पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अरे गीत आराम से गाओ, कितना अच्छा गा रही हैं। कर चले हम फिदा जानतल साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदल साथियों। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, सबसे बड़ी कलाकार ये बैठी है। अरे अपना गीत तुम्हें नहीं गा मिल रहा यार, तुम्हें अपना गीत नहीं गा मिल रहा है और तरक पे तरक करते जा रहे हो, बहुत बढ़िया। सुनिए। कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये बात फिल्म वालों की रही और आपकी बात थी आखिरी। तो देखिए कुछ कोशिश है राजवीर जी, जब काम देव शंकर जी को परेशान करने के लिए गया तो देखिए हो क्या रहा है। सुनिए सुनाइए। क्रोध और प्रेम की ये नजर है प्रथम। क्या हुआ? अरे क्या बात है, देखिए 101
हमारी कशिश बिटिया की ओर से आया है और सच ये है कि ये उपाय प्रथम का उसी ने बताया है। बस लिखा मैंने है लेकिन उसने हल्के फुल्के शब्दों में कह दिया कि इसका जवाब प्रथम में ले आई है और बस प्रयास वही है। लिखा मैंने है लेकिन उपाय हमारी बेटी का ही है और बस प्रार्थना यही करूंगी माता रानी से कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपने पापा के परिवार को आगे बढ़ाए। धन्यवाद है। 51 मुद्राएं हमारे नीचे संगत कर रहे हैं भैया जी। अच्छा 51 मुद्राएं ये बिरजू जागरण पार्टी बड़े भैया जी की ओर से 51 मुद्राएं प्रदान हुई है बरेली के सार से। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और 11 मुद्राएं हमारे बिरजू भैया की ओर से हमारे नाल वादक को प्रदान हुई है। बिरजू जागरण पार्टी की ओर से हमारे नाल वादक को प्राप्त हुई है सार से। धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए क्या कहना है, क्या बात है। देखिए बेटियों की ओर से आशीर्वाद आ रहा है। 51 मुद्राएं हमारी बेटी अंशिका, हमारी बेटी अंशिका की ओर से मुझे प्रदान हुए हैं जिसका आज जन्मदिन था, उसकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं मुझे प्रदान हुई हैं जबकि मैंने अभी गीत शुरू भी नहीं किया है और बस कामना यही है कि वो भी अपने पापा की तरक्की करे और स्वयं की भी तरक्की हो उसकी, ये ईश्वर से कामना है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए क्रोध और प्रेम की ये नजर है प्रथम और नैनों की अग्नि का ये असर राजवीर जी सुनिएगा कहना है। स्वर्ण मृग बन के कहने से वन में गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अग्नि का ये असर है प्रथम
पहली बार, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए ईश्वर का तो नाम लेना बहुत ही दूर था। और फिर रावण की ओर से भेजा गया था, लेकिन राक्षस होते हुए भी उसने अपना तरण तारण कर लिया और प्रथम बार पहले हाय लखन कहा और बाद में हाय राम मुझसे निकला और वो मर गया। तो देखिए दूजी बात क्या है। दूजी बात, जब एक बार वनवास में अज्ञातवास जोड़ा गया, तब अर्जुन प्रहंदला का रूप धारण करके एक नारी का रूप बनाकर राजा के दरबार में मृदंग बजाते थे और ये नाट्य लीला करते थे। देखिए वहाँ पर उन्होंने प्रथम बार क्या किया, सुनिए कहना क्या है। क्या कहना है? साथ उत्तर के अर्जुन करे समर। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भैया, क्या बात है, सुनाइए। पार्थ छोड़े पिता हमा के शर है प्रथम, पार्थ छोड़े पिता हमा पे शर है प्रथम, और क्रोध और अग्नि का ये नजर है प्रथम, तो नैनो की अग्नि का ये असर है प्रथम, क्रोध और सुनाइए। कहना है देश की मान जन्मा है ऐसा ललन, तो दूसरी बात सुनिए कहना है। मित्र का मित्र है
जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसमें पाकिस्तान का हाल क्या हुआ, पाकिस्तान का हाल क्या हुआ? जनता को बचाने के लिए सभी दाव पेच खेल रहे हैं, सभी पापड़ बेल रहे हैं, अपनी गद्दी और अपनी जनता दोनों को बचाने के लिए बहुत विचलित बहुत परेशान हैं, क्योंकि मोदी जी ने पाकिस्तान की वो हालत कर रखी है, वो हालत कर रखी है कि जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्या बात है, बिल्कुल ये कंडीशन इस समय इमरान खान की है। तो बात आई क्या?